सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं हूँ पालमपुर में, तो पालमपुर से मैं जा रहा हूँ अभी गोपालपुर, और गोपालपुर से जाऊँगा जिया वैली। तो वहाँ से हमारा ट्रैक है आज हिमानी चामुंडा के लिए, तो वहाँ के लिए निकल रहे हैं हम सुबह सुबह। तो अभी सुबह के 8:30 हो गए हैं और 8:30 पर वहाँ पर पहुँचना था, लेकिन थोड़ा सा लेट हूँ। चामुंडा मंदिर 18 किलोमीटर, तो मतलब गोपालपुर यहाँ से होगा 12-13 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ के जो रोड हैं वो बहुत ही प्यारे हैं देखिए, और जगह भी काफ़ी अच्छी है, हरी भरी सी, और उतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है। और देखिए यहाँ पर क्या मस्त बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो भाई बस वाला हमें पास नहीं दे रहा है और हम वैसे ही लेट हो रहे हैं। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन फास्ट राइडिंग करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई बस से तो हो गए हम आगे, और ये देखिए कितना प्यारा ब्रिज है, पुराना वाला है ये, और अभी नया बन रहा है वहाँ से नगरी 5 किलोमीटर। अरे यार क्या रोड है। बहुत ही खतरनाक। ओह एकदम ब्लाइंड कर्व और बहुत ही तीखे। बर्फ 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 में जाने वाले हैं हम आज। बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ दिखाई दे रही है ऊपर, और जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर भी खूब बर्फ़ मिलेगी देखने को। और वहाँ मैं जा रहा हूँ दूसरी बार, पहली बार जब गया था तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, तो इस बार वीडियो बनेगी वहाँ की अच्छी वाली। सो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, स्पीति राइड करने वाला हूँ मैं जल्दी ही, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जो एडवेंचर होगा वो बहुत ही ख़तरनाक होगा, क्योंकि वो दुनिया के सबसे ख़तरनाक रोड में से है। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं गोपालपुर, गोपालपुर चिड़ियाघर। तो ये रहा गोपालपुर ज़ू, ये यहाँ से। तो अभी हम लोगों को जाना है आगे, थोड़ा सा आगे, और यहाँ से राइट टर्न लेना है। सो गोपालपुर से निकल गए हैं जिया वैली के लिए। भाई साहब रोड छोटा सा है और गाड़ियाँ चली हुई हैं। वाह रोड काफ़ी ख़तरनाक है। क्या मस्त पुल है। सो यहाँ पर लगाते हैं बाइक, और बंद कर देता हूँ GoPro। सो ये रही बाइक, और अभी मोटो ब्लॉग बंद। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं ट्रैकिंग के लिए, और कुछ ऊपर आ गए हैं, कुछ दूरी हम लोगों ने तय कर दी है। तो ये देखिए पीछे, और साथ में चला हुआ है सचिन और कुछ लोग ऊपर हैं।
सो देखिए नीचे आ रहे हैं कुछ लोग और अभी हम लोग हैं रास्ते में। सो ये चल रहे हैं ये। चलो चलो चलो, जय हो बक्ता जी, जय हो। सो ये लोग आ रहे हैं अभी तक और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं भी यहाँ पर बैठा था तो सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ और इनके और इनसे पीछे भी कुछ लोग हैं तो दिखाता हूँ आप लोगों को। वो देखिए वो नीचे यहाँ पर भी है, दो लोग वहाँ पर हैं। तो कम से कम उनको तो आधा घंटा लग जाएगा यहाँ पहुँचने के लिए। सो चलिए वेट करते हैं यहाँ पर उनका और फिर चलते हैं आगे। तो वहाँ पर जाना है, अभी बहुत दूर है। तो ये देखिए पीछे फोटोशूट चल रहा है और यहाँ पर प्लेस काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा प्लेन एरिया है। और मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, उधर देखिए बर्फ और बादल आ चुके हैं पहाड़ों में। तो व्यू तो यहाँ पर कमाल है और पीछे छोटे छोटे हट टाइप बने हुए हैं। और चलते चलते सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग आधे रास्ते में हैं तो यहाँ पर हम रुकेंगे थोड़ी देर, मैगी वगैरह कुछ खाते हैं। और यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त मस्त है और सामने देखिए क्लाउड्स। और यहाँ पर अंकल चल रहे हैं, ये भी हमारे साथ हैं। और वहाँ देखिए बर्फ और मौसम तो ऐसा है जैसे स्नोफॉल हो रही है। तो चल पड़े हैं सब यहाँ से लंच करके और टाइम हो रहा है 1:30। और ये देखिए व्यू पीछे, अमेजिंग व्यू। तो अभी हम लोग इस प्लेस को छोड़ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं आगे। चलो चलो दोस्तों, पहुंचने वाले हैं अब हम और सामने बर्फ ही बर्फ। बर्फ शुरू हो गई है और अभी बहुत भारी स्नोफॉल हो रही थी तो हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके हुए थे और नीचे बारिश हो गई है। देखिए व्यू और बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। आगे का हाल कुछ ऐसा है, थोड़ा हो गया है क्लियर। हम आसमान की ऊंचाइयों में, वो रास्ता वहां से है ना।
अभी हम लोग चल रहे हैं बर्फ में, और ये देखिए बर्फ में फंस गए हैं दो यात्री। तो ये देखिए नीचे घुटने तक बर्फ है, पूरा घुटना घुस गए, कल पूरे बर्फ में घुस गए हैं। तो भाई बर्फ में मजा लिया जा रहा है फुल। वाव, अमेजिंग व्यू, और सामने माता का मंदिर। वो खींचने आवे, पूरी टांग घुस गई है। ये देखिए पूरा का पूरा, इधर से खींच रहा, उधर को नहीं आएगा बेटी, इधर को आएगा। सो खींच भाई, आप निकले, मैं निकलूंगा निचले कहां ऐसे निकल। तो भाई बहुत ही ज्यादा बर्फ है ये, अभी मैं आधा घुस गया था बर्फ के अंदर। और वो देखिए पीछे वो रहा मंदिर, और हम पहुंच गए हैं बिल्कुल टॉप में। और पीछे देखिए सन बहुत ही प्यारा लग रहा है, और नीचे नदी जा रही है अगर दिख रही होगी तो, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा। और वो देखिए पीछे बर्फ ही बर्फ, बिल्कुल टॉप पे हैं हम इस वक्त। सो वी रीच द टेम्पल हिमानी चामुंडा। ये देखिए हमको यहाँ पर माऊ मिल गई है। सो दोस्तों ये राइड जो हम कर रहे थे, ट्रैक जो हम कर रहे थे, वो कर रहे थे हम इन लोगों के साथ ले चल रहा ही। इनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, और ये लोग ट्रैक वगैरह करवाते हैं। तो अगर आप लोग भी ट्रैक वगैरह करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा इनके पेज का, और साथ में फोन नंबर वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस डू फॉलो ले चल राही ऑन इंस्टाग्राम। सो काफी ज्यादा मजा आ रहा है और बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो साथ में आ सकते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, तो पीछे का व्यू देख लीजिए एक बार लास्ट बार, और मैं अभी यहीं पर वीडियो को एंड कर देता हूँ। सो ये पीछे रह गया मंदिर, तो अभी बाय बाय बोलते हैं इस प्यारे से व्यू को। तो आप लोगों से मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।